and phylogenetic system of classification. सो so, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कि कुछ ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरस्टिक्स पर बेस्ड है यानी कि ऐसे कैरेक्टरस्टिक्स जिनको आप देख सकते हैं और ईजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो so, सबसे पहले उन कैरेक्टरस्टिक्स को देख कर क्लासीफिकेशन दिया गया जिसे कहा गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन है सबसे पहले टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया था तो आ, किस तरीके से प्लांट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है जैसे कि उनकी कर कर हैबिट कि हैं, हैं, क्लासिफाई किया गया जैसे कि नंबर ऑफ स्टेम और कार्पल्स जो कि लीनियस ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स की सबसे पहला

ने हम फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं उन्होंने एक तरीके का क्लासिफिकेशन दिया जिसे कहा जाता है सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसमें उन्होंने प्लांट्स को उसके स्टेमन और कार्पल्स के नंबर के बेसिस पर क्लासीफाई किया इस क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे सो आर्टिफिशियल सिस्टम में बेसिकली उन्होंने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जिन्हें ईजिली ऑब्ज़र्व किया जा सकता है इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो इस टाइप के सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं जिसमें कि एक या दो या फिर इजीली ऑब्ज़र्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो कि है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये सिस्टम ज़्यादातर नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस्ड है और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही इंक्लूड नहीं किया गया उसके साथ साथ इंटरनल फ़ीचर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर एनाटोमी एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री सो so, ये इस तरीके का सिस्टम था क्लासीफिकेशन का जिसमें एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी महत्व दिया गया और उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है इसके अलावा नेचुरल सिस्टम में और अदर ऑथर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया जैसे कि ए पी डी कैंडोल या फिर एंटोनी लॉरेंट सो अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम की फाइलोजेनेटिक सिस्टम में प्लांट्स को उनके एवोल्यूशनरी और जेनेटिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं टर्म आता है फाइलोजेनी so, का मीनिंग होता है मेजर ग्रुप्स सो फाइलोजेनी में प्लांट्स के एंसेस्टर्स, उनका प्लेस एंड टाइम ऑफ ओरिजिन उनके प्रिमिटिव रिलेटिव और उनका इंटर रिलेशनशिप्स देख कर उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया गया है एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में बहुत सारे क्लासीफिकेशन हैं जैसे कि एंग्लर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन बेसी का क्लासिफिकेशन जॉन हचिनसन का क्लासिफिकेशन क्रॉनकुस् का क्लासिफिकेशन रोल्फ डैलग्रेन और रॉबर्ट एफ थॉर्ने सो ये सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन दिए इनके सबके अलग अलग क्लासीफिकेशन हैं जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर बेस्ड हैं सो so, ये बेसिकली थ्री सिस्टम्स थे क्लासिफिकेशन के आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक आर्टिफिशियल में हम बेसिकली दो से चार इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्सटिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं जैसे कि हैबिट या फिर फ्लोरल कैरेक्टर्स नेचुरल सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए गए हैं और फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एवोल्यूशनरी और जेनेटिक टेंडेंसीज के बेसिस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है सो so, आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पता संद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच